हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम मोनेरा की स्टडी कर रहे थे, जिसमें आर्के बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन तक हमने बात कर लिया था। आज रिप्रोडक्शन का क्लास स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, पहले तो जान लीजिए, यू बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन के होता है। आगे इसके बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता उसमें समझ लें। क्योंकि बैक्टीरिया में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, इस कारण इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये चीज़ मैंने यहाँ सामने लिख दिया है, दे दिया, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे बहुत जगह हमारे काम आने वाला है ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करते, ये स्टेप जो होता है ये हर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलो करेगा। ओके सॉरी, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हमारा है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या है? मदर सेल मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मदर सेल इनलार्ज हुई और मदर सेल अपनी आइडेंटिटी लॉस करके टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ओके, इसीलिए हम बैक्टीरिया को इमोर्टल बोलते हैं, क्योंकि वो डिवाइड हो रही है, डेथ नहीं कर रही है। मदर सेल डिवाइड होके न्यू जनरेशन, न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही है, इसीलिए इमोर्टल होते हैं। ठीक, बैक्टीरिया डिवाइड बाय एमाइटोसिस, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये एमाइटोसिस करते हैं, और यूकैरियोट्स जो होते हैं, मैंने यूकैरियोट तो नहीं बोल दिया था, सॉरी, फिर से मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ। मोस्टली प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिवाइड ए माइटोसिस प्रोसेस द्वारा करते हैं, और यूकैरियोट में मियोसिस और माइटोसिस होता है, जो कि बैक्टीरिया में मतलब प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ओके चलिए, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट अगर इन फेवरेबल कंडीशन, कौन सा है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, और आपका एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक, चलिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन जब भी होगा अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है। क्यों हाईली रेजिस्टेंट होता है? स्ट्रक्चर जो होता है हाईली रेजिस्टेंट होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम डाई पिकोलिनेट जो होता है प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा इन्वायरमेंट, अगर देखिए बैक्टीरिया के रिप्रोड्यूस करने के लिए अगर इन्वायरमेंट बेस्ट नहीं है, तो वो क्या करता है, एक हार्ड लेयर का अपने ऊपर एक फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पोर। ओके, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे उसके ऊपर केमिकल इफेक्ट डालिए, टेम्परेचर इफेक्ट डालिए, रेडिएशन इफेक्ट डालिए, एंटीबायोटिक्स डालिए, कुछ भी डालिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ओके, एंडोस्पोर फॉर्मेशन सीन इन मोस्टली इन बैसिलस बैक्टीरिया। क्यों? बैसिलस बैक्टीरिया जो होती हैं लगभग रॉड शेप होती हैं, और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ओके, तो इसलिए मोस्टली कहाँ देखा जाता है? बैसिलस बैक्टीरिया में। ये जो ये फिगर बनाया है, यहाँ स्पोर लिखा है, ये एंडोस्पोर, इसको आप सही कर लीजिएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? जीन, और रिकॉम्बिनेशन मतलब ट्रांसफर। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन बैक्टीरिया, अभी बात हमने कर लिया है, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड जायगोट। वही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमिट फॉर्मेशन, बोथ गैमिट मेल एंड फीमेल कैन फ्यूज फॉर्म जायगोट। ठीक, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो मेथड है, थ्री, देयर आर थ्री मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, कौन कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम अगर नाम लेते हैं तो ग्रिफ्त याद आते होंगे, S2, S3, R2, R2, ये सब। तो उसमें क्या हुआ था, देखिए आप याद करिए उसको, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत यहाँ तो हम समझा रहे हैं आपको। उसमें उन्होंने, मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ, दो जीन है ए एंड बी। ओके, एक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी माउस पे, और एक का इफेक्ट हो रहा है। जिसका इफेक्ट हो रहा है उसको आप हीट कर दीजिए, ए को हीट कर दीजिए मान लीजिए, तो फिर उसको हम, वो जीन को हम इंजेक्ट किए, प्रोटीन को इंजेक्ट किए किसमें, माउस में, माउस सर्वाइव कर गया। इससे पहले डेथ करता था, हीट करने के बाद सर्वाइव कर लिया, लेकिन जो बी जीन है पहले वो डेथ काजिंग नहीं था, लेकिन इन दोनों को साथ में डाला गया
तो क्या हुआ कि माउस डेथ कर गया, तो उसमें क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक, ये अच्छे से हम ग्रिथ का एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इन दिस प्रोसेस वन काइंड ऑफ बैक्टीरियम इज ट्रांसफॉर्म इंटू एन अदर काइंड बाई ट्रांसफर ऑफ जीन। किसके ट्रांसफर के कारण? जीन के कारण, ट्रांसफर के कारण। ठीक है, हो सकता है कि जो जीन ए के पास एब्सेंट हो वो बी के पास प्रेजेंट हो, वो आपस में मिलकर काम कर दे। तो ये अच्छा प्रोसेस है, एक हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। जीन फॉर्म एन अदर बैक्टीरिया सेल बाई डीएनए। ठीक, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है, हमने वायरस में आपको पढ़ा रखा है। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज क्या है, बैक्टीरियोफाज टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के द्वारा ये हमारा ट्रांसडक्शन हो रहा। कैसे? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू एन अदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज के द्वारा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, या तो डीएनए या तो आरएनए इसमें है। ठीक, चलिए, कॉन्जुगेशन, सॉल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट ट्रांसफर। देखिए, टू रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या बात किया, उसमें क्या होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन एंड जाइगोट, ऐसा कुछ इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो है बहुत मतलब एंशियंट प्रीवियस, बहुत पुराना है ये। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको भी ध्यान दे लेते हैं हम। एफ पॉजिटिव डोनर और एफ निगेटिव रेसिपियंट आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, इसमें फ्यूज नहीं, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और डीएनए एफ प्लाज्मिड ट्रांसमिट हो रहा है। जिसके पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एफ पॉजिटिव। इसके बारे में पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जीनोम या जीनोफोर बोलिए, और एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर जिसके पास हो वो एफ प्लस होगा, और जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होगा वो एफ निगेटिव होगा। अब यहाँ देखिए, रिप्लीकेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड मतलब जीन रिप्लीकेट करके आगे एफ निगेटिव में चला जाता है। अब एफ निगेटिव के पास भी एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर आ गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, एफ पॉजिटिव में। और ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ये जो आपका रिकॉम्बिनेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बहुत रेयर होता है। कॉमनली सबसे मोस्टली कौन होता है, बाइनरी फिशन। कौन होता है, यहाँ हमने बात कर रखा है उसके बारे में, बाइनरी फिशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, पॉइंट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी के बेस पे। ठीक है, और आपका इसमें एल्टीग्रेट में भी ठीक ठाक आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्टिविटी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, डिजीज क्या है। अभी हम हार्मफुल एक्टिविटी की बात करेंगे, फिर जो बेनिफिशरी है, बेनिफिट जो पहुंचा रहे हैं बैक्टीरिया, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आगे यहाँ देखते हैं, डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, टिटनस, टाइफाइड। ठीक, ये क्या है, ह्यूमन बीइंग में होने वाली डिजीज है। ठीक, किसके वजह से हो रही हैं, बैक्टीरिया के नाम आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या बैक्टीरियम जो है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। डिजीज ऑफ एनिमल एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स को शायद बायोलॉजिकल वेपन भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए याद करते चलिए। ठीक है, डिजीज ऑफ प्लांट, सिट्रस कैंकर, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम क्राउन गाल इन मेनी प्लांट, ये एकदम एग्जाम के समझ लीजिए कि दामाद है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं हर साल आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम, ये सब बहुत अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा आप लोग। बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक, वही एग्जाम्पल डाले गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, हार्मफुल एक्टिविटी आपका है फूड पॉइजनिंग, इसके बारे में थोड़ा आपको हमें डिटेल देना है, जो कि अभी तक इसको सिर्फ रट लेते होंगे आप लोग, आज इसको समझेंगे आप। ठीक है, बटुलिज्म, ये क्या है, कोलिस्ट्रीडियम में, देखिए कोलिस्ट्रीडियम जो है, पहली चीज़ जान लीजिए, एनएरोबिक है, ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एक चीज़ बता दिया मैंने। दूसरा चीज़ इसके बारे में जानिए, सेफ्रोट्रॉपिक, सेफ्रोफाइट मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड रहता है, दो चीज़ बता दिया मैंने। चलिए, अब ये किसको होता है, क्या होता है, ठीक, दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन कैंड फूड, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, कैंड फूड में। कैंड फूड क्या होता है, ऐसे फूड जिसको एयर के अब्सेंस में, मतलब उसको पैकेजिंग से पहले एयर निकाल के
निकाल दिया जाता है। अब जो फूड उसके अंदर है वो तो डेड है, ठीक, एयर भी नहीं है, मतलब सेप्रोटॉफिक या सेप्रोफाइटिक, सॉरी एनएरोबिक, दोनों कंडीशन उसको मिल गया। अब क्लॉस्ट्रिडियम क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू कर देगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा अपना, ठीक, बहुत सारे हो गए। अब एक चीज़ जानिए आप, चाहे 10-20 चम्मच आप बैक्टीरिया उठा के उसमें से ले लीजिए, खा जाइए, अपने अंदर ले लीजिए, 1% कुछ आपको नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन, वो तुरंत ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डेथ कर जाएगा बैक्टीरिया। तो हमें ये क्लॉस्ट्रिडियम नुक्स के वजह से कुछ नहीं होता है। हमारा क्या होता है, जब हम ये बैक्टीरिया जब हम पैक करते हैं किसी चीज़ को ऑक्सीजन के अब्सेंस में, तो उस वक्त इन्वायरमेंट एनरोबिक और सेप्रोफाइ मतलब डेड फूड रहता है, ठीक, वहाँ वो मल्टीप्लिकेशन करता है और टॉक्सिक रिलीज करता है, ठीक है, टॉक्सिक रिलीज करेगा, वही टॉक्सिक हमको नुकसान करता है वो उसके। देखिए आगे क्या है, दे आर टॉक्सिक डैमेज, जो इसका टॉक्सिक, ये बैक्टीरिया टॉक्सिक रिलीज किया है वहाँ, वो क्या करता है, डैमेज कर देता है किसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, किसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो कि क्या करता है, स्मूथ एंड स्ट्रिप्टेड स्ट्रेप्ड मसल को पैरालाइज कर देता है, ठीक, और इमीडिएटली सोचने से पहले डेथ। ये पैक्ड फूड जो होते हैं बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, इंडिया में अभी इतना ज़्यादा कोई चीज़ अभी वैसे नहीं चल रहा कि हमारे के खाना महीनों महीनों पैक करके मिले, ये सब नहीं है, ये सब फॉरेन वालों के लिए ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ही कम केस हैं इसके। अब जैसे टिफ़िन के बारे में आप सोचते होंगे, कैंड है, तो टिफ़िन क्या है, हमारे के तो टिफ़िन भी ऐसे मिलते हैं जिसके ऊपर कवर लगा हो और दाल भर दो, कवर लगा के फिर पलट दो उसको, तो दाल तो निकल ही जाएगी बाहर, तो ऑक्सीजन तो भाई उसके पास रहता है। और जो ये सब पैक्ड फूड मिलते हैं हमको, तो इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं होते हैं हमारे लिए, ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ये अभी अपने देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि अच्छे से हो जाए सब चीज़, ये सब कहाँ से करेंगे, फूड पैक कहाँ से करेंगे वो सब। चलिए, अभी तक हम लोगों ने हार्मफुल बैक्टीरिया देखा, अब हम लोग देख रहे हैं यूजफुल एक्टिविटी क्या है इसकी, अमोनिफिकेशन, ठीक, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमें क्या करना है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। चलिए, अमोनिफिकेशन किसके द्वारा, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, कौन कौन है, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोडिस, बैसिलस रेमोसस, आपको बैसिलस 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 इतना दिमाग में याद करना, ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि बैसिलस VMR जो है, बैसिल क्या बोला मैंने, बैसिलस VMR, ठीक, ये जो है अमोनिफिकेशन करते हैं। क्या होता है अमोनिफिकेशन में, जो सम कुछ बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया। ओके, प्रोटीन को किसमें, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वहाँ से जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में। इसी दिमाग में रखिएगा कि डेड मतलब यहाँ देखिए लिखा है, प्रेजेंस इन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, जो डेथ कर गए हैं प्लांट और एनिमल, उनके प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करा है, अमोनिया में। एक एक चीज़ धीरे धीरे स्टेप वाइज, यहाँ देखिए ये बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको याद नहीं होता है, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए, याद हो जाएगा, ठीक। नाइट्रिफिकेशन, नाम से समझ में आ रहा है, नाइट्रिफिकेशन, ठीक, इसमें कौन यूज आएगा, नाइट्रिफाइंग, जो नाइट्रिफाइंग नाइट्रोजिनस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजिनस को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए, अब हम लोगों ने प्रोटीन से अमोनिया बना लिया है, अब दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्राइट एंड लेटर नाइट्रेट। अब पहले अमोनिफिकेशन हुआ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, उससे क्या हुआ कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हमने प्रोटीन निकाला और किसमें कन्वर्ट कर लिया, अमोनिया में। अब हम क्या करेंगे, उस अमोनिया को नाइट्राइट, नाइट्राइट हरदम मैंने बताया कि 2 रहेगा, और नाइट्रेट 3, क्या 2 3 है अभी देखते हैं आगे, में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब नाइट्राइट को, अरे सॉरी, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोसोमोनास, मोना, ट्रिक है याद कर लीजिएगा, जो मोना है ना, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगी। ओके,
चलिए, अब नाइट्राइट को बताया मैंने, NO2 माइनस जब भी हो वो नाइट्राइट, ठीक। अब हमारा नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करना है, हमें नाइट्रेट में, और नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोबैक्टर, और वहाँ नाइट्रोसोमोनास के साथ एक लोग और थे जो कि यहाँ नाम नहीं है, नाइट्रोकोकस, ठीक है। यहाँ नाइट्रोबैक्टर क्या है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आया है ओरिजिनली ओवरऑल प्रोसेस हमारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स करना है हमें, ठीक। ये दो प्रोसेस हो सकता है, या तो सिम्बायोटिकली या तो एसिम्बायोटिकली, ठीक। चलिए, दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड, नाइट्रेट और अमोनियम साल्ट, ठीक है। अब कैसे, दो मेथड आपको मैंने बताया, अब देखिए कैसे। राइजोबियम, राइजोबियम ये सिम्बायोटिक है, एक दूसरे के साथ रह के ये क्या करेंगे, इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, किसमें, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, अल्फा अल्फा है, स्वीट क्लोवर है, स्वीट पी है, एंड अदर जो एग्जांपल्स हैं स्क्रीन शॉट लेके आप याद कर लीजिएगा, ये सब राइजोबियम, ठीक है। इन प्लांट के मतलब इन प्लांट के साथ वो करके नाइट्रोजिनस मतलब साथ साथ रह के, मतलब 50% के 50% टेक, 50-50% भाई रहेगा, तभी तो आदान प्रदान बराबर होगा, तभी तो सिम्बायोटिकली रिलेशनशिप बनेगा, करके नाइट्रोजिनस मतलब नाइट्रोजिनस क्या बोलते हैं, सॉरी, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है एजो राइजोबियम, ठीक। एजो राइजोबियम ये कहाँ है, इन स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सेस्बेनिया, एजो स्पाइरिलम, ये फाउंड ऑन रूट सरफेस ऑफ सीरियल्स, और सबसे बड़ी बात है सुपरफिशियली सिम्बियोसिस ये शो करता है। सुपरफिशियस फिशियली सिम्बियोसिस मतलब ये होता है कि हरदम एक साथ दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, अलग भी रह सकते हैं जब काम पड़ने पे, फिर आ सकते हैं, फिर अलग रह सकते हैं, फिर काम पड़ने पे जब ये रहेंगे साथ में आ जाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल्स वीट, राइस, मेज। अब ये वीट, राइस, मेज ऐसा तो प्लांट है नहीं ना जो परमानेंटली रहता है, ये सीजनली होते हैं ना सब, तो जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा और जब नहीं जरूरत है तो, ये इसी को कहते हैं सुपरफिशियली सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस तो करता है साथ में ही नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब है तो आ जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फ्रेंकिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है ये, और फिलामेंटस को ही हम लोग कहते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक। याद रखिए कि एक्टिनोमाइसिटीज, कन्फ्यूज मत होइएगा, फिलामेंटस बैक्टीरिया को ही एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं, ठीक है। फ्रेंकिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, कहाँ है, इन रूट ऑफ, अरे इन रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, किस प्लांट में पाया जाता है, कैसुरीना एंड एलनस प्लांट, ओके। कौन, फ्रेंकिया। ये सब क्या कर रहे हैं, सिम्बियोसिस शो कर रहे हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हमारा है ए सिम्बियोटिकली, दूसरा मेथड, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ए सिम्बियोटिकली मतलब क्या है, ये फ्री फॉर्म में रह के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये फ्री फॉर्म में रहते हैं, एग्जांपल जैसे आपका क्लोस्ट्रीडियम है, रोडोसोडोमोनास है, रोडोस्पाइरिलम है, एजोस्पाइरिलम है, एजोटोबैक्टर है, क्रोमेटियम, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सब मैंने डाल दिया है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब कुछ जानकारी ले लीजिए आप, नोट, एजोबैक्टर आर बिजरंकिया आर एरोबिक, मतलब ये जो है बिजरंकिया जो है और एजोबैक्टर है, इसको हम, ये जो है एरोबिक है, और रोडोस्पाइरिलम एनएरोबिक बैक्टीरिया है, बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉयल, बट एज सिम्बियोंट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए क्या होता है, राइजोबियम, नेफजीन, नेफजीन नाम आपने सुना है, NIF, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर, ओके। ये क्या करता है, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड रिलीज करता है, और वो तभी वर्क करेगा जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, ठीक। अब हमारा इधर आपने नाम सुना है लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, फ्री फॉर्म ऑक्सीजन को बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद
नाइट्रोजिनस कंपाउंड वर्क करता है, ठीक है, इसका हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, परेशान मत होइए आप। चलिए, यूजफुल एक्टिविटी, फर्मेंटेशन समझ लीजिए, एक तरफ से पढ़ रहे हम लोग, इंडस्ट्रियल है, विनेगर फॉर्मेशन, एस्टिक एसिड, एथेनॉल, एसिटो बैक्टर एसिटाई, ये एक फर्मेंटेशन का एकमात्र बैक्टीरिया है जो एनोरोबिक, ओके, एनोरोबिक और फैकल्टेटिव होता है, ठीक। चलिए, ये क्या करता है, एथेनॉल को एस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, रेटिंग ऑफ फाइबर, कोलिस्टीडियम, ठीक, फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीफ क्या है, बेसिलस, मेगाथेरियम, माइक्रोकोकस, ठीक, याद कर लीजिएगा ये एग्जांपल पूरा, एकदम स्क्रीनशॉट लेके एकदम याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। पॉपुलेशन इंडिकेटर क्या, ई कोलाई, ई कोलाई को पॉपुलेशन इंडिकेटर क्यों कहा गया है, ध्यान से सुनिए। अब आप जानते ही हैं कि ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि एस्क्रीटा के साथ बाहर निकल जाता है, एस्क्रीटरी मटेरियल जो होता है उसके साथ बाहर निकल जाता है, और वहाँ वो बताता है, देखिए पूरा एक बार हम पढ़ देते हैं तब आपको समझ में आएगा, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। वाटर, वाटर इन विच ई कोलाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट नोन एज पॉल्यूटेड वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ई कोलाई, इफ ई कोलाई आर वेरी मच इन नंबर द वाटर विल बी हाईली पॉल्यूटेड। देखिए यहाँ से ही समझ, एस्क्रीटा क्या है, पॉल्यूटेड है एरिया है, वो एक वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी का, तो वहाँ ई कोलाई उसके साथ आता है, उसी के मतलब नंबर अपना इंक्रीज करना शुरू कर देता है, लेकिन जहाँ करेगा, जहाँ पॉल्यूशन हो, पॉल्यूटेड वाटर हो, ओके, तो ई कोलाई का प्रेजेंस ही पता चल जाता है कि वाटर पॉल्यूटेड है कि नहीं है, ठीक। चलिए नोट क्या है, माइकोलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ऑल फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, ठीक, एग्जाम्पल नोकार्डिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उसमें कुछ खास कर समझाना नहीं है, ये एक रिएक्शन एथेनॉल एस्टिक एसिड किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये और ये रेटिंग ऑफ फाइबर, इसमें सब एग्जाम्पल है, तो ये सब एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में सोचेंगे और गलत टिक मार के आएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी किसने कहा था, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हमारा, किसने दिया था पहले ये बताइए आप, लीनियस ने दिया था, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने, तो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गी वेयर इंक्लूडेड इन क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी ऑफ एल्गी, बट नाउ दे आर इंक्लूड किंगडम मोनेरा बिकॉज ऑफ देयर प्रोकैरियोटिक नेचर। प्रोकैरियोटिक क्या है, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, मैंने बता शुरू में ही क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको मोनेरा, प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ग्रुप और प्रोकैरियोट्स क्या है, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, और मोनेरा क्या है, किंगडम, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर नाउ नोन एज साइनोबैक्टीरिया, इस वक्त इसको क्या कहा जा रहा है, साइनोबैक्टीरिया, क्यों कहा जा रहा है अभी बात करते हैं हम। ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर मोस्टली, मोस्टली किस में पाया जा रहा है, फ्रेश वाटर में, और कुछ मराइन वाटर में और टेरिस्ट्रियल हैबिट होते हैं, ठीक। चलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी किसने कहा था, लीनियस ने, टू किंगडम, पहली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी में रखा था, लेकिन जब आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने इसको प्लेस कर दिया किसमें, किंगडम मोनेरा में, क्यों, प्रोकैरियोट्स बोल के, ओके, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, अब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, चलिए मैं बात करता हूँ। लीनियस ने ब्लू ग्रीन एल्गी को फोटोसिंथेसिस कैरेक्टर के बेस पे क्या कर दिया, इसको रख दिया एल्गी पे, लेकिन फिर आगे आपके आर एच विटेकर ने सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे इसको किस में प्लेस कर दिया, बैक्टीरिया में, मतलब किंगडम मोनेरा में, तो बड़ा कंफ्यूजन था कि एल्गी को क्यों बैक्टीरिया में रख दिया, क्यों बैक्टीरिया में, तो कुछ समय बाद 1978 में, 1978 में आईसीएनबी ने क्या कर दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बदल के साइनो, साइनो मतलब ब्लू ग्रीन, और फिर
बैक्टीरिया रख दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तब जाके ये विवाद खत्म हुआ, नहीं तो बड़ा विवादित था ये। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ, वो बताइए हमको, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है? इसमें ट्रू और फॉल्स क्या है, कमेंट में लिख के भेजिएगा आप हमें। चलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी है। किस बेस पे लीनियस ने बोला सही है ये? हाँ सही है। किस बेस पे? एक करेक्टर इसका मैच खाता है, फोटोसिंथेटिक नेचर, ग्रीन। ओके, तो चलो उसमें प्लेस्ट कर दिया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, हाँ ये भी सही है। क्यों? अब एक करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इधर पूरा सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा का पूरा सेल ही उसकी तरफ बिहेव कर रहा है। किसकी तरफ? प्रोकैरियोट की तरफ। तो ये बोथ स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर एल्गी। अब ये नाम भी बदल सकते हैं, साइनो बैक्टीरिया करके पूछ सकते हैं, तो ये सब अपना ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, साइनो बैक्टीरिया आर फर्स्ट फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। इसी बेस पे ना लिनियस ने इसको किस में प्लेस किया था? एल्गी में। तो हमारा फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट कौन है? साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो बैक्टीरिया वेयर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अर्थ। जिसके बस ये कहना चाह रहे हैं कि साइनो बैक्टीरिया की ही वजह से अर्थ पे सबसे पहली बार ऑक्सीजन आया था, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया वेयर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अर्थ। कौन प्रोड्यूस किया था? साइनो बैक्टीरिया। एल्गी की तरह मान रहे थे एज ए, तो एल वो सोच रहे मतलब सोच रहे थे सोच क्या रहे थे, सही बात है, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, ठीक। इसी बेस पे किसने, लेनियस ने इनको किस में रख दिया था? एल्गी में। और वैसे भी लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है बहुत ब्रॉड तो है नहीं, उन्होंने बस टू टू ऑर्गेनिज्म मतलब अरे पूरे के पूरे पूरी दुनिया को टू कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया था, प्लांट और एनिमेलिया। उसी बेसिस पे इन्होंने बात करना शुरू किया था, तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत ब्रॉड में तो था नहीं, बहुत सिंपल था। चलिए आगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं इनके? देखिए, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होता है, मैं बता दे रहा हूँ अभी से, हरदम आपको मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा क्लोरोफिल ए मिलेगा ही मिलेगा, ये हर सब में पाया जाता है, यूनिवर्सल इसीलिए बोला जाता है। ग्रीन कैरेटिनॉइड येलो, ये सी मतलब होता है साइनो बैक्टीरिया बोल दीजिए या साइनोफाइसी बोल दीजिए। फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन जिसके साइनिन लास्ट में लग जाए ब्लू। इरिथ्रिन, इरिथ्रो इरिथ्रो से समझ, जिससे हमारा ब्लड होता है ना इरिथ्रोसाइट, तो सी फाइको इरिथ्रिन, तो रेड कलर, ठीक। नोट, साइनो बैक्टीरिया नॉट ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर। देखिए, एक है ट्राइकोडेस्मियम जो रेड कलर का साइनो बैक्टीरिया होता है। ऐसा नहीं होता है कि सभी साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन। चलिए हम स्टेटमेंट देते हैं आपको, ऑल साइनो बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन कलर। गलत। क्या है? गलत। क्यों? ट्राइकोडेस्मियम जो है रेड कलर का होता है, ठीक। द रेड कलर ऑफ वाटर। अब ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, पूछ देते हैं कि वाटर का रेड कलर, जो जैसे पॉन्ड हो गया या ओशियन हो गया, मत ओशियन नहीं तो वो तो बहुत, वो रिवर या कुछ एरिया में जो वाटर का रेड कलर होता है किसके कारण होता है, किसके कारण होता है बताइए। तो ऑप्शन में आ जाता है एल्गी और इधर उधर, तो हम बहुत सारे सोचते हैं, क्योंकि जब भी हम सोचेंगे आग बंद करके हमारे दिमाग में बैक्टीरिया का कोई इमेज नहीं आएगा, लेकिन जब भी आग बंद के सोचेंगे एल्गी का कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि ग्रीन है ये, रेड एल्गी है ये, ब्राउन। तो एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू ई कोलाई, एस टाइफी, ट्राइकोडेस्मियम, पी प्यूटिडा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, मैं टिक नहीं लगा पाया हूँ इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे अपलोड कर दिया है फिर से। तो यहाँ आते हैं हम, हाँ, रेड कलर ऑफ सी ड्यू टू, देखिए ट्राइकोडिस्मियम, और यहाँ ऐसे क्वेश्चन फिर घुमा के पूछ सकता है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, बीजीए। तो आपको किस पर टिक मार करना है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी पे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीजीए साइनो बैक्टीरिया। ओके, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या है? स्पाइरुलिना, आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, प्रोटीन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ओके, ऐसा यूनिसेलुलर है जिसके पास बहुत सारे प्रोटीन रखे हुए हैं, समझ लीजिए आप। सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड ओनली इन यूनिसेलुलर फॉर्म, स्पाइरुलिना।
इसको एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कॉलोनियल कौन है? एनाबेना, माइक्रोसिस्ट। देखिए एनाबेना कैसे है और माइक्रोसिस्ट कैसे है, ये सब कॉलोनी के फॉर्म रहते हैं। कवरिंग इनकी क्या है? जिलेटिनस मीडियम है। फिलामेंटस क्या है? ऑसिलेटोरिया। सम बैक्टीरिया आर फिलामेंटस, देयर आर मेनी सेल आर अरेंज इन रो इन देयर बॉडी। अब थोड़ा आप इसके बारे में और समझिए। ट्राइकोम इन फिलामेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज ट्राइकोम। नीचे होगा मेरे समझ से, अच्छा नहीं है, चलिए। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका इसका हम आपसे बात किए हैं कि जो भी बैक्टीरिया है मोस्टली कॉमनली बाइनरी फिशन करती हैं, ठीक है। ये फिलामेंट्स जगह जगह से जब बीच बीच में डीके कर मतलब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये कई सारे फ्रेगमेंट टूट के फिर जर्मिनेट कर जाता है। अभी फिलहाल इसके बारे में इतना ही जानिए और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी नोन एज ट्राइकोम, याद रखिएगा ट्राइकोम, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने पूरा इसमें लिख दिया है कैसे क्या है। ये ग्राम निगेटिव होता है, सबसे पहले एग्जाम याद कर लीजिए आप, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ये, ठीक है। अब क्या क्या स्टडी है कैसे करना है, म्यूसिलेजिनस सीथ, जो इसकी म्यूसिलेजिनस सीथ होती है प्रोटेक्टिव होती है, किससे प्रोटेक्शन करती है ये? वाटर से। आउटर सेल वॉल लाइपोपॉलीसेक्राइड का होता है, इनर सेल वॉल जो होता है इसका पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। सेल मेम्ब्रेन ऑलवेज मैंने बताया पूरे विश्व पूरी दुनिया का ही, जिसके जिसके में सेल मेम्ब्रेन होगा लाइपो प्रोटीनस नेचर होगा, ठीक। अल्फा ग्रेन्यूल्स या साइनोफाइसिन फाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर न्यूक्लोइड, ठीक। और क्या होता है? राइबोसोम 70S होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इससे पहले हमने क्या बताया था बैक्टीरिया का? क्रोमेटोफोर, ठीक। और क्या है? थैलिकॉइड, क्रोमेटोफोर, देखिए नीचे आ गया है क्रोमेटोफोर, ये सब मेंबर है जो है देखिए। और फोटोसिंथेटिक ये क्रोमेटोफोर क्या है? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी क्या है? इसके बारे में पिछली क्लास में मैंने बात कर रखा है, फिर कर रहा हूँ। अल्फा ग्रेनुल प्लस गैस वैक्यूल, ठीक है। ये मेम्ब्रेन होता है लेकिन ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होता है, ओनली प्रोटीन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। और मेरा आपसे मैं बताया हूँ कि मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पूरी दुनिया में वही सेल मेम्ब्रेन होती है जो लाइपो प्रोटीनस नेचर होती है, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन प्रेजेंट हो। लेकिन गैस वैक्यूल में आपका जो होता है ओनली प्रोटीन होता है, इसलिए ये ट्रू सेल मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। नोट, इंक्लूजन बॉडी इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन कौन है वो, अब कैसे हो रहा है पहले ये देखिए। ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया, अमोनिया को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में अमीनो एसिड या नाइट्रेट, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी BGA इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल बाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बियोटिक फॉर्म में है या तो लिविंग फॉर्म में है, अरे फ्री लिविंग फॉर्म में है। सिम्बियोटिक क्या होगा? एक दूसरे के साथ रहेंगे, फ्री लिविंग है तो अलग अलग रहेंगे। कौन कौन है सिम्बियोटिक? एना एना एनाबिना एंड नॉस्टक, ये सिम्बियोटिक है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा। फ्री लिविंग फॉर्म एनाबिना नॉस्टक एलोसोरिया सीरिया सीरा सॉरी और ऑसिटोलेरिया, ठीक। अब इसका ट्रिक क्या है? अन्ना नो आलू फ्री, याद रखिएगा, अन्ना नो आलू फ्री। अन्ना एनाबिना नॉस्टॉक नो आलू से आलू सीरा याद करिए, चाहे आलू याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सिम्बियोटिक फॉर्म, सिम्बियोटिक क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो सम ब्लू ग्रीन एल्गी सो सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ मेनी प्लांट एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसके साथ, कौन से प्लांट के साथ ये लोग कर रहे हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना रहे हैं? एनाबिना नॉस्टक साइकस के साथ, और कहाँ? क्रोइड रूट ऑफ साइकस,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सिम्बियोटिक ज्यादा एग्जाम में आता है कंपेरिजन देन फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में आएगा तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा कि फ्री लिविंग ब्लू बीजीए के बारे में मतलब एग्जाम्पल कौन है इसमें, ये आ जाएगा। तो एना बिना, नॉस्टक, ऑसिलेटोरिया, ये सब आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एना बिना फाउंड इन लीफ ऑफ एजोला किसके, ये भी एग्जाम में हरदम टीजीटी में कहीं ना कहीं टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, फाउंड इन लीफ ऑफ एजोला, ठीक है। अब क्या है, इफ एजोला इज ग्रोथ विथ, सॉरी, इफ एजोला इज ग्रोन विथ राइस देन द प्रोड्यूस इंक्रीज अप 50%, ठीक है। अगर एजोला एना बिना के साथ रिलेशनशिप में है तो प्रोडक्शन 50% इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यह देखिए आलू सीरा का क्या है आपका, दिस ब्लू ग्रीन एल्गी इज फाउंड इन प्लेंटी इन पैडी फील्ड, दिस बीजीए परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू विथ विच द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज इंक्रीज, ये भी राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज करवा रहा है। और ऑसिलेटोरिया आल्सो फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी फील्ड, ठीक है। तो ये जितने एग्जाम्पल हैं और इनके करेक्ट मतलब ये क्या इंक्रीज कर रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज नोन एज हेटरोसिस्ट। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक में सेल पाई जाती है हेटरोसिस्ट, वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ठीक है। हेटरोसिस्ट इज थिक वॉल्ड नॉन ग्रीन सेल्ड, ये जो है नॉन ग्रीन सेल्ड होती है, ठीक है। अगर कहीं से कलरफुल फिगर मुझे मिला तो आगे मैं जरूर अपलोड कर दूंगा आपके देखने के लिए। चलिए, नॉस्टॉक में हेटरोसिस्ट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन में के बारे में बात करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन क्या है, मोस्ट कॉमन है, बात हो चुकी है आगे, किस में हो रहा है, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पाइरुलिना। फ्रेगमेंटेशन ऑसिलेटोरिया, मैंने बोला था आगे मैं बताऊंगा, उसमें बाई हार्मोगोनिया। और हार्मोगोनियम क्या है देखते हैं, ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना एरिया, वहीं से ये सेपरेशन डिस्क का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है ऑसिलेटोरिया, ये अब 1 2 3 ब्लैक के वो देखिए 3 सेगमेंट में टूट जाता है, ठीक। और फिर जाके एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है, नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सेपरेट डिस्क है, हार्मोगोनियम है। और हार्मोगोनियम अनफेवरे, ये सब जो होता है फिलामेंट, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जिसके कारण ये हार्मोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। ये जो है बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में है, और हार्मोसिस्ट का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊपर हमने बात कर रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन। अब हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं आप बताइए, सेम टू सेम क्लोन का फॉर्मेशन, ये सब जो है क्लोन, मतलब चाहे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, चाहे ये इसमें क्लोन, जेनेटिक मटेरियल, मॉर्फोलॉजी सब कुछ सेम ही रहता है। इन दिस मेथड ऑफ प्रोटेक्शन टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, ए काइनेट फॉर्मेशन इन नॉस्टॉक, किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, ए काइनेट का, किस वक्त, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये भी बहुत रेयर केस में है, ये मोस्ट कॉमन नहीं है, ए काइनेट का फॉर्मेशन कब हो रहा है, नॉस्टॉक में, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, ठीक। एग्जाम्पल है वाटर ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू बीजीए इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी इज नोन एज वाटर ब्लूम, ठीक है। क्या है वाटर ब्लूम, एक्सेसिव ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जा रहा है किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लूम, और जिसके कारण वाटर पॉल्यूटेंट हो जा रहा है, ठीक। चलिए अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल हैं, आप अच्छे से याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आगे हम नेक्स्ट आर्किबैक्टीरिया और उनके बारे में बात करेंगे,
और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स, एक नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, आगे एग्ज़ाम के वक्त आपको बहुत तेज़ी से ये याद हो जाएगा। बिना नोट्स के एग्ज़ाम में मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, जगह जगह से मटेरियल ढूंढते रहते हैं आप लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए उसको भी कमेंट करके लिखेंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।